हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। चित्रकूट में मानिकपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव की मतगणना कल होनी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने रामायण मेला में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि कल मानिकपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिसमें 30 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगी और पूरा परिणाम डिक्लेयर होने तक चलेगी। यहाँ इसी संदर्भ में हम लोग आज अभी निरीक्षण किया गया है और सभी तैयारियाँ मतगणना की पूर्ण की जा चुकी हैं। 14 टेबलें लगी हैं और एक अलग से और टेबल होती है और हमारे सभी कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, उनका प्रशिक्षण कर दिया गया है। सभी आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। कर्मचारियों की तैनाती के उपरांत जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं हैं वो भी पूर्ण हैं और बैरिकेडिंग स्थान स्थान पर करा दी गई है। हमारी तरफ से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में सभी तैयारियाँ पूर्ण। कितने राउंड सर काउंटिंग हो रही है? ये लगभग 30 राउंड तक चलेगी, उसके उपरांत यथा आवश्यकता पर जो बचेंगे उसका उपयोग। मतगणना को लेके यहाँ पे 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। एक आउटर कॉर्डन बनेगा, फिर इनर कॉर्डन है और मेन कॉर्डन सीआरपीएफ के जो सबसे नीचे है। बाकी दोनों तरफ 100-100 मीटर पे बैरियर लगाया गया है, जिसके अंदर मात्र जो चुनाव से संबंधित लोग हैं, जैसे एजेंट हैं या मतगणना कर्मी हैं और जो ऑफिसर्स हैं, जो चुनाव से संबंधित ऑफिसर्स ही अंदर आएंगे। और रोड का एक साइड पूरी तरह बंद रहेगा, एक साइड से जरूरी चलता रहेगा। जो भी वक्त अंदर आएगा उसके बाद चेकिंग और फ्रिस्किंग होगी। किसी प्रकार के आपत्तिजनक वस्तु जैसे माचिस, सिगरेट या अन्य कोई ऐसे पानी की बोतल, ये सब चीज़ें अंदर नहीं आएंगी। हर एक व्यक्ति चेक के अंदर आएगा और जो भी अंदर आएगा उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा शासन की तरफ से। मतगणना कर्मियों को भी इशू होगा और मतगणना एजेंट को भी इशू होगा, तो सारे लोग यहाँ पे आएंगे वेल चेकिंग करके। बांदा में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मासूम को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। परिजनों ने खुलेआम डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। आपको बता दें कि मामला जिला अस्पताल का है, जहां बिसंडा थाना के बिलगांव गांव के किसान की 7 वर्षीय बेटी को बुखार आ रहा था, जिससे युवक अपनी बेटी को लेकर जिला अस्पताल आया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का शुरुआती इलाज शुरू कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई। परिजनों को जब पता लगा तो उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बार बार डॉक्टर से देखने को कहा, पर डॉक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी, जिससे उनकी मासूम बच्ची की मौत हो गई। हालांकि हल्ला बढ़ता देख डॉक्टरों ने किनारा काट लिया। अस्पताल में मौजूद अन्य तीमारदारों को समझाने के बाद परिजन शांत हुए। बेटा कहाँ भर्ती कराया था? बताया जा रहा है कि जब चीज हंसती थी खाना मांगती थी पानी भी मांगती, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है। लापरवाही तो आई है।